यहाँ पे आने के बाद मोबाइल नेटवर्क जीरो, देखो यहाँ पर है, दिख रहा होगा आप आपको। देख रहे होंगे कि मोबाइल नेटवर्क जीरो होता है, तो इस एरिया में आने के बाद आपका मोबाइल नेटवर्क जीरो हो जाएगा। ये है आप खोज भी नहीं ये सकते। एरिया, आप कॉल नहीं कर सकते हैं किसी को। अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं अच्छा नालंदा खंडर, जो कि ये गली टाइप से हम लोग जा रहे हैं गांव तरफ से। वैसे रोड तरफ से भी रास्ता था लेकिन शॉर्टकट था इधर गांव तरफ से, तो इधर से ही जा रहे हैं। इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं।
ये परमेश्वर, यहाँ रहने की जगह, यहाँ पढ़ने की जगह, ये पूजा की जगह, पहले पूजा फिर यही एक बिहार कहलाता है। और एक बिहार की क्षमता एक फ्लोर में औसत 30 की होती थी। बिल्डिंग 2 से 3 मंजिल का था, कोलाजी वाले कहते हैं 4 मंजिला था, चीनी यात्री कहता है, और 6 मंजिला भी था, दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं। लेकिन जो हम कोने में से ही लाइन देखेंगे वो प्रमाण है कि बिहार कब से हम 2 मंजिला को था, बिहार का तो टूट गया होगा, तो अभी 11 मिले हैं। और जब यूनिवर्सिटी चल रही थी तो ऐसे ऐसे 108 बिहार का यह मॉडल केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी है, अफगानिस्तान में है, सिलोन में है, क्योंकि सारे बिने टिकट के रूल के मुताबिक बनाए गए हैं, इसलिए उसमें एक रुकता है। तो इस लाइन में हो गया आवासीय व्यवस्था, ये हो गया चैत्य कालीन मंदिर, तो 4 इस लाइन में है। अस्तूपा साइट नंबर 3 ओ मॉन्यूमेंट है, वो सारी पुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो 7 बार बना है, वहाँ चल के बताएंगे। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये 3 मंदिर किधर है, 12 कोटी के वाला है, 13 फिर पीछे है, और 14 लास्ट से है। ये 3 मंदिर 2-2 राज्य काल में बने, पहले गुप्त काल में बना, ढक करके फिर पाल जी में बना, जहाँ मूर्ति नहीं वो स्थान है जहाँ मूर्ति होती थी। तो 4 इस लाइन में है, 2 मंदिर पीछे हैं, एक वहाँ है और एक गेट पर, तो 6 मंदिर और 11 बिहार मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अग्रयाना महायाना बौद्ध धर्म का केंद्र था, जिसकी 2 शाखाएं थी, मंत्रयान और वज्रयान, स्वेत की रहन पूजा के लिए, एक पढ़ाई के लिए। हालांकि बुद्ध ने मना ही किया था कि मेरी कोई मूर्ति मत बना, लेकिन बुद्ध की जितनी मूर्ति बनी उतनी उसी की बनी। Now we are going to outside of Nalanda University, then I will show you the gate पर से मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बाहर की और अंदर की ओर दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हैं अंधेरा थोड़ा हो गया है तो ठीक से दिख नहीं रहा होगा। कहने बाबा बकली में आता था। एंड आप देख सकते हैं ये बाहर का गेट है जिससे हम लोग निकलेंगे। और गेट से बाहर जा रहा है, सो वी कैन गो आउटसाइड ऑफ नालंदा खंडर एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग गेट। प्लीज कम ठीक है एंड वेरी गुड एंड कम आदित्य रिकॉर्डेड आल्सो यू आर कल के ऊपर तो आप हमको पहचानते हो या हम भी इंट्रोडक्शन। तो इधर देख सकते हैं कि पहले बुतरुम आते थे तो इसमें नाम लिखते थे, लेकिन अभी नहीं लिख रहे क्योंकि मिटा जाएगा 2-3 दिन में। वी आर गोइंग रिकॉर्ड करते हुए आओ एंड हम लोग वैसे नंबर है जियो जियो बाय बाय ट्रेन बाय 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 बाय।